Hello children, today we are going to learn a new poem of grade 1 and the title is Merry Go Round. Merry Go Round, listen, sing and dance. Firstly, we will read this poem. I climbed up on the merry-go-round and it went round and round. I climbed up on a big brown horse and it went up and down. Around and round and up and down, around and round and up and down. I sat high up on a big brown horse and rode around on the merry-go-round and rode around. On the merry-go-round I rode around, on the merry-go-round, around and round and round. Firstly, आपकी जो poem है, आपकी poem का title है merry-go-round. तो merry-go-round क्या होता है? Merry-go-round आप लोगों ने कई बार देखा होगा, एक झूला होता है merry-go-round, ठीक है? वो एक machine से बना हुआ होता है, ठीक है? उसके internal जो part होता है, वो machine होता है, और बाहर से वो किसी horse की shape में या car की shape में इस shape में होते हैं. तो आपने देखा होगा मेलों में या कहीं पे क्या होता है कि बच्चे इसमें बैठ के क्या करते हैं, ride करते हैं, और इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा fun होता है, बहुत मज़ा आता है उन्हें ऐसा करने में. ओके, तो merry go round हम सिंपली झूले को बोलते हैं. ओके, तो इसमें एक छोटी लड़की की स्टोरी है इस पोएम में, कि जो छोटी लड़की है जब वो मेले में जाके मैरी गो राउंड पे बैठती है तो उसको कैसा फील होता है, उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं, वो क्या कहना चाह रही है कि मैरी गो राउंड पे बैठने के बाद मुझे कैसा फील हुआ. ओके, तो हम इस स्टोरी को कंटिन्यू पोएम को कंटिन्यू करते हैं. आई क्लाइम अप ऑन द मैरी गो राउंड एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड. वो जो गर्ल है वो कह रही है कि मैं जैसे ही मैं मैरी गो राउंड के पास पहुंची, मैं उसके ऊपर चढ़ गई एकदम. क्लाइम मतलब चढ़ना, मैं उसके ऊपर चढ़ गई मैरी गो राउंड के ऊपर. एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड, और जो मैरी गो राउंड है ये बिल्कुल गोल गोल घूम रहा था. राउंड एंड राउंड मतलब गोल गोल घूम रहा है. I climbed up on a big brown horse, और उसके बाद मैं किसके ऊपर चढ़ गई, एक बड़े से ब्राउन कलर के हॉर्स के ऊपर. और हॉर्स कैसा था, मशीन हॉर्स था. एंड इट वेंट अप एंड डाउन, और ये जो मशीन हॉर्स था ये बिल्कुल ऊपर नीचे हो रहा था, और मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था. अराउंड एंड राउंड एंड अप एंड डाउन, अराउंड एंड राउंड एंड अप एंड डाउन. अराउंड एंड राउंड, अराउंड मतलब चारों तरफ, राउंड गोल गोल. ओके, तो जो मैरी गो राउंड है वो तो चारों तरफ कैसे घूम रहा था, वो चारों तरफ गोल गोल करके घूम रहा था. और जो बिग ब्राउन हॉर्स था वो अप एंड डाउन, अप मतलब ऊपर, एंड डाउन मीन्स नीचे, वो ऊपर नीचे हो रहा था. अराउंड एंड राउंड एंड अप एंड डाउन, सेम वे में मैरी गो राउंड चारों तरफ गोल गोल करके घूम रहा था, और जो हॉर्स था बिग ब्राउन हॉर्स वो अप एंड डाउन करके गर्ल को राइड करवा रहा था. I sat high up on a big brown horse. उसके बाद वो girl फिर से एक ऊँचे से big brown brown कलर के horse के ऊपर चढ़ गई. High up मतलब और ऊपर चढ़ जाना, और ज़्यादा height पे चढ़ जाना. And rode around, और उस पर बैठ के ride कर रही थी पूरे चारों तरफ. On the merry-go-round and rode around, और merry-go-round पे बैठ के चारों तरफ वो क्या कर रही थी, ride कर रही थी, घूम रही थी इधर उधर merry-go-round पे बैठ के. On the merry-go-round I rode around, on the merry go round, around and round and round. और merry go round पे बैठ के मैं चारों तरफ घूम रही हूँ. merry go round पे बैठ के कैसे घूम रही हूँ, around चारों तरफ घूम रही हूँ, और round मतलब गोल गोल घूम रही हूँ चारों तरफ. जो merry go round है वो चारों तरफ जा रहा है, चारों तरफ बिल्कुल, एक भी जगह वो ऐसे नहीं छोड़ रहा है, चारों डायरेक्शन में जा रहा है, और वो बिल्कुल गोल गोल करके घूम रहा है, जिससे कि गर्ल को बड़ा ही मज़ा आ रहा है, उसे बहुत अच्छा फील हो रहा है. तो इस पोएम में आपने क्या देखा कि एक छोटी गर्ल है, जब वो मैरी गो राउंड को देखती है तो वो उसके ऊपर चढ़ जाती है, और मैरी गो राउंड जो है वो चारों तरफ गोल गोल करके घूमने लगता है. और एक बिग ब्राउन हॉर्स होता है, जब वो उसके ऊपर चढ़ती है तो वो अप डाउन करके लड़की को राइड करवाता है, और लड़की को बड़ा ही मज़ा आता है. यहाँ पर हमने कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े हैं. अराउंड फर्स्ट है आपका, अराउंड, अराउंड मतलब चारों तरफ, डाउन नीचे, इन मतलब अंदर, देखो किसी चीज़ के अंदर, जैसे यहाँ पे है. ओके, एक बॉक्स है उसके अंदर कोई टेडी बियर है. ऑन मतलब ऊपर, जैसे बॉय ही है स्टूल के ऊपर बैठा है. आउट बाहर, राउंड गोल. अप मतलब ऊपर है. रीडिंग इज़ फन. क्वेश्चन वन,
हाउ डिड द मैरी गो राउंड गो, तो आपको इसका आंसर लिखना है. आपको पता है कि मैरी गो राउंड कैसे चल रहा था, कैसे गोल गोल घूम रहा था, तो आपने इसका आंसर लिखना है द मैरी गो राउंड वेंट राउंड एंड राउंड. जो मैरी गो राउंड था वो एकदम गोल गोल करके घूम रहा था. क्वेश्चन टू, हाउ डिड द बिग ब्राउन हॉर्स गो, जो बिग ब्राउन कलर का जो हॉर्स था वो कैसे चल रहा था, कैसे राइड कर रहा था, तो आपने इसका आंसर लिखना है द बिग ब्राउन हॉर्स वेंट अप एंड डाउन. जो बिग ब्राउन कलर का जो हॉर्स था वो ऊपर नीचे करके चल रहा था. तो इस पोएम में आपने क्या करना है, इस पोएम की 8 लाइन्स आपने लर्न करनी है, इनको अपनी नोटबुक में लिखना है और इसको प्रैक्टिस करना है, इस पोएम को पूरा लर्न करना है ताकि रीड करने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए बाद में. और आए आपको ये पोएम समझ आ गई होगी, तो इसलिए आपने इसको इंजॉय कर करके आपने इसको लर्न करना है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है. थैंक यू.